हेलो दोस्तों, वेलकम आर ग्रीन हाउस नर्सरी। दोस्तों आज हम अपने ग्रीन हाउस नर्सरी में आपको काफ़ी सारे वैरायटी के बारे में हम आपकी जानकारी देंगे और काफ़ी सारे वैरायटी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको थोड़ा घूम घूम के दिखाते हैं। हमने अपने नर्सरी को एक नई लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब गमले पे पॉट पे हम बना रहे हैं, कुछ स्पेशल तरीके से हम बना रहे हैं। वो जो हमारी लोकल कस्टमर होते हैं, बाहर के कस्टमर होते हैं, वो मैच्योर प्लांट एकदम फल के साथ, मैच्योर प्लांट गमले के साथ जो सेटिंग होते हैं गमले पे, वो प्लांट लेके जाते हैं। तो इस टाइप की कुछ पौधा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैंगो लगा रखे, ऑरेंज लगा रखे, मल्टा लगा रखे, प्लस हम हमारे पास जितने भी मैंगो वैरायटी के पौधे वगैरह है वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो पहले हम आपको दिखाते हैं, आप आइए थोड़ा देखते रहिए। ये जैसा देखिए, ये इधर वाले जो ये है, ये जैसा ऑरेंज की एक वैरायटी है, उधर एक मल्टा की वैरायटी है, इधर एक ऑरेंज की वैरायटी है, इधर इतने सारे हम सब लाइन पर लगा रखे, काफ़ी सारे हमने पौधा तैयार कर रहा। आप लोग देख सकते कितना हेल्दी, अभी गमले पे लगाने के बाद आप लोगों को लग रहा है ना, कोई भी प्लांट मरेगा नहीं, मर भी नहीं रहा, क्योंकि इतना बढ़िया तरीका से हमने सब प्लांट को हैंडल करते हैं। ये सब देखिए, हमने आम के पौधा भी काफ़ी सारे लगाया है, बहुत बड़े बड़े आम के पौधा लगाए हैं। ये सब चानाश्री लीची के पौधा ऑलरेडी ये सब हमने लगा रखा है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे गमले पे फल देती है। ये चानाश्री लीची है, जिसको बहुत सारे लोग सीडलेस लीची भी कहते हैं, ठीक है। वही पौधा है ये, इसका सीड भी छोटा होता है, फल इंडियन की जो लीची होती है उससे काफ़ी बड़ा होता है। तो इधर वाले हमने बड़े पौधा भी है, ये तो छोटा है चानाश्री लीची का, इधर आप देख सकते हैं ये हमने बड़े पौधा लगा रखे, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। तो हम आपको अब दिखाते हैं, ये तो हमने गमले में जो लगा रखा है जो पौधा, वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं, आप लोग तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे तो है जो गमले के साथ एकदम रेडी पौधा आप लोग मंगा नहीं सकते हैं, अगर क्योंकि वो भेजने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हम आपको ऐसे पौधा भी दिखाएंगे जो आप आराम से अपने घर बैठ के कोरियर के माध्यम से खरीद सकते हैं, कोरियर के माध्यम से, होम डिलीवरी के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। ऐसे प्लांट भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम आपको प्लांट दिखाते हैं। पहले हम आपको एक दिखाते हैं कटहल के पौधे। देखिए कटहल आना चालू हो गया, ये वियतनाम ऑल्ड टाइम जो जैक फ्रूट है वही जैक फ्रूट है। ये ऐसे मैच्योर पौधा जो 3 फीट 3.5 फीट वाला मैच्योर पौधे जिसमें कटहल आने लग गया, मतलब आपको कटहल के साथ भी, अगर आप लोग को कटहल के साथ पौधा चाहिए, आप ऐसे मैच्योर पौधा हमारे से मंगा सकते हैं, चाहे होलसेल में भी हो, आप रिटेल में भी मंगा सकते हैं, चाहे 1 पीस 5 पीस 10 पीस जितने भी हो सकते आप हमारे से मंगा सकते हैं। ऐसे पौधा आपको मैच्योर पौधा भेजा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगा जब आप लोग कुरियर के माध्यम से 1, 2, 4 पौधा मंगाते हो, तो ऐसा ऐसा कंडीशन पे ऐसा पौधा पौधा से ज़्यादा कुरियर चार्ज लग जाते हैं। और ये भाई सब लोग, ये तो हमारे कोई हाथ में नहीं है, जो कुरियर की जो भी रेट है वो आप लोगों को देना पड़ता है। जैसे ये कटहल का पौधा, ये कटहल के पौधा से ज़्यादा कुरियर चार्ज लग जाता है। अगर आप लोग चाहे तो, जैसे हमने ये टॉप में लगा रखा है, अगर आप लोग चाहे तो ऐसे टॉप के साथ आप पौधा मंगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये टॉप टूटने की संभावना होती है। लेकिन आप लोग चाहे तो ऐसे ग्रो बैग वाले पौधा मंगा सकते हो, इतना बड़े ग्रो बैग में ऐसे पौधे मंगा सकते हो जो आप अपने घर लेके इसको किसी टॉप में शिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरह के पौधा भी आपको टॉप के साथ नहीं, तो इतना बड़े ग्रो बैग के साथ भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये नाम रखना की वैरायटी है, नाम रखना बहुत बढ़िया मैंगो प्लांट है। देखिए आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, ये सब मंजर आने लग गया, मतलब फ्लावर आने लग गया। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसी टाइम ये सब पौधा मंगाएंगे तो आपको इस बार आम खाने को मौका मिल जाएगा। मैच्योर प्लांट इधर आप देख सकते हो, ये हमने लगा रखे, ये बीच में है हनीड्यू वाला, ये सब देखिए टैग के साथ आपको पौधा मिल जाएगा। ये हनीड्यू है, इससे भी फ्लावर आने लग गया कुछ कुछ पौधों पर, ठीक है। इधर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये किंग ऑफ चकाबाद मैंगो प्लांट, इसमें भी टैग लगा हुआ, ये सब आप देख सकते हैं फ्लावर आने लग गया, मतलब ये सब मैच्योर प्लांट है, ये एकदम मैच्योर हो चुका है। लेकिन सिंगल फ्लावर्स का भी मिल जाएगा, सिंगल ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे सिंगल ब्रांच का है, लेकिन मैच्योर प्लांट होंगे आप लोगों को। आप लोगों को घुमा कर और भी हम पौधा दिखाते हैं जो आम के पौधा है। आप लोग इधर ये देखिए, इधर भी हम देखिए कितने सारे मैंगो प्लांट लगा रखे हैं, सब आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी हेल्दी मैंगो प्लांट है। ब्रुनाई किंग मैंगो प्लांट है, इधर हम आपको दिखाते हैं रेड आइवरी मैंगो प्लांट है, ये कलरफुल मैंगो होते हैं और काफ़ी बढ़िया मैंगो होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, देखिए ये जैसा टैग के साथ मिल जाएगा आपको रेड आइवरी मैंगो प्लांट। इसका तनाव देखिए कितना मोटा मोटा तनाव है, ये सब रेड आइवरी है। ये सब अभी लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसी साल पर आम मिल जाएगा। इस तरह के पौधे, ये पूसा उर्मियों का वैरायटी है, पूसा की वैरायटी आप देख सकते हैं, मल्टी ब्रांच वाला पौधा है सारे के सारे, एक पूसा की वैरायटी है, इसमें भी फ्लावर आने लग गया, ये सब आप देख सकते हो सब फ्लावर आना चालू हो गया। इधर हम आपको दिखाते हैं एक मियाजाकी की मैंगो प्लांट है,
ये मियाज़ाकी मैंगो प्लांट है, बहुत खास एक वैरायटी मैंगो प्लांट है, जापान के जो मियाज़ाकी प्लांट है वही प्लांट हम आपको लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सब में टैग भी लगा हुआ है, इनका पत्ता भी देख लीजिए कैसा नाव की जैसा होते हैं मियाज़ाकी के पत्ते, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एकदम जेन्युइन पौधा है। इधर हम लगा रखे कस्तूरी मैंगो प्लांट। दोस्तों आप लोगों को ध्यान पे रखनी है कस्तूरी मैंगो प्लांट और ब्लैक स्टोन से आप लोगों को बचना है, क्योंकि ब्लैक स्टोन पे फिलहाल अभी कहीं भी आम नहीं आया, लेकिन कस्तूरी मैंगो पे आपको ज़रूर आम आ जाएगा। ये इस तरह के मल्टी ब्रांच पौधा मिल जाएगा, पौधा जैसा इसका कलर थोड़ा काले कलर की है, ब्लैक कलर की है, आम भी ऐसे पौधे की जैसा ब्लैक कलर की आ जाएगा। फिर इधर ये मियाज़ाकी लगा है, इधर कस्तूरी, इधर पूसा है, इधर भी मियाज़ाकी लगा रखे हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे वैरायटी की मैंगो प्लांट है। इधर हम कुछ ऑरेंज की मदर प्लांट आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं येलो, ये एक येलो माल्टा की मदर प्लांट है, ये हम देख सकते हैं गमले पर लगा रखे हैं, ठीक है। येलो माल्टा है जिसका फल आ रहा है, 12 मास इसका फल फूल देते रहता है। ये देखिए बैरिकेडेड माल्टा है, इसका पौधा देखिए पहले एकदम बैरिकेडेड, फल भी देखिए बैरिकेडेड वाला येलो हो चुका है। इधर हम दिखाते हैं वियतनाम माल्टा, बहुत एक माल्टा वैरायटी के अंदर बहुत बढ़िया वैरायटी है, ये आप देख सकते हैं। ये है वियतनाम माल्टा की एकदम मैच्योर्ड हो गया, मतलब अब खाने के एकदम बिल्कुल लायक हो चुका है ये वियतनाम माल्टा की। इधर आपको दिखाते मरक्कन माल्टा, इसमें देखिए फ्लावर आना लग गया, ये मरक्कन माल्टा, ये आप देख सकते हैं सब टैग लगा हुआ है, टैग के साथ आपको इस तरह के पौधा मिल जाएगा। इधर देखिए कितने भारी मात्रा में सब फल आ रखे हैं। तो दोस्तों बस वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लांट है, हम दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे, तो हम वीडियो ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों के मन पे किसी भी तरह के सवाल है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ सकते, अगर आप लोग होलसेल में भी चाहें तो मंगा सकते, रिटेल में भी आप अपने घर बैठ के होम डिलीवरी के माध्यम से मंगा सकते हैं, क्योंकि हमारी होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है।